ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको भी आपके मन में ये प्रश्न हमेशा आप सोचते रहते हैं कि समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, एक समस्या जाती है दूसरी आ जाती है। इन समस्याओं से हम इतना परेशान हो गए हैं कि हमें कई बार तो रास्ता भी नज़र नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इन समस्याओं के पीछे एक मूल बात यह भी है कि इन समस्याओं से लड़ लड़कर बहुत सारे जातकों को अब समस्याओं की आदत सी पड़ गई है। उनके जीवन में उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, अब समस्या आएगी, हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे जातक इन समस्याओं से परेशान हो गए। वो चाहते हैं कि अब जीवन में एक स्थिरता है, एक सकारात्मकता है और जीवन में सही चीज़ें हो। तो क्या कारण है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का पीछा उससे नहीं छूटने देती, बस एक समस्या आई कि दूसरी समस्या तैयार हो जाती है। इसके पीछे जो मूल एक ग्रह है वो है शनि, दूसरा मंगल और तीसरा जो ग्रह है वो है गुरु। अब ये तीनों जो ग्रह हैं ये अपने आप में एक ऐसा संयोग क्रिएट करते हैं कि व्यक्ति को कभी भी समस्याओं से बिना समस्याओं के रहने ही नहीं देता है। इसलिए सबसे पहले आपको शनि के उपाय करना है। बहुत सरल सा उपाय है। शनि के उपाय के लिए आप नियमित सुबह और शाम दो वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ को नियमित जल चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। दूसरा, मंगल से जुड़ा हुआ जो मूल बात है, जितना हो सके पौधे लगाएं। आप जितने पौधे लगाएंगे, जितने पेड़ लगाएंगे, उन सभी चीज़ों से आपका मंगल बेहतर होगा, क्योंकि मंगल भूमि स्वामी हैं, इसलिए भूमि पुत्र उन्हें कहा जाता है, भूमि का स्वामी कहा जाता है, इसलिए मंगल का आप शांत कर सकते हैं। तीसरा है कि गुरु को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब गुरु को मैनेज करने से मतलब है कि गुरु को कैसे शांत कर सकते हैं। उसका मूल कारण है हमारा व्यवहार और आचरण। गुरु केवल व्यवहार, आचरण, अनुशासन से ही सही हो सकता है। इसके अलावा आपके विचार, आपकी सकारात्मकता ही गुरु है, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आप जो सोचते हैं। अगर आप खराब सोचते हैं तो अपने गुरु को खराब कर रहे हैं, इसलिए अच्छा और बेहतर सोचें और बृहस्पति को मजबूत करें। ओम नमः।